चैनल सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियो के लिए बेल दबाएं। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कंप्यूटर सीएस, कंप्यूटर जो फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके जो भी जो नए पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसका मॉडल पेपर करेंगे। तो बच्चों जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है देखो, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो ये बोल रहा है बेटा 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1024 बाइट्स होते हैं। मैं बाकी की यूनिट्स भी बता देता हूँ आपको मेमोरी की। देखो ये आपके सामने खुल गया। देखो सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा बिट। देखो एक बिट में कितने बाइनरी डिजिट, कोई भी बाइनरी डिजिट होगी वो क्या होगी, बिट। एक निबल में 4 बिट होंगे। देखो एक, देखो सबसे पहले बेटा सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। 1 बाइट में 8 बिट होंगे और 1 निबल में 4 बिट होंगे। 4 बिट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 KB में 10204 बाइट्स। इसके बाद 1 MB में 1024 KB। इसके बाद 1 GB में 1024 KB। TB में 1024 GB। बस इतना बहुत है बेटा आपके लिए। अब ठीक है, हम आगे बात करते हैं। कंप्यूटर निम्न से कोई कौन से कार्य नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं कर सकता और सब बाकी कार्य करता है। कंट्रोलिंग करता है, एलयू इनपुट डिवाइस के द्वारा, माउस इनके द्वारा करते हैं, आउटपुट मॉनिटर के द्वारा आउटपुट आता है। कंट्रोलिंग डिवाइस एलयू कंट्रोलिंग करता है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इसमें। आगे देखो, निम्न में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं, सारे हैं। इसके बाद देखो बेटा, हाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को कहते हैं। देखो बेटा जो ये कर्सर बोलते हैं इसको, जो माउस का चिन्ह आता है ना, जैसे हम माउस को इधर उधर मूव करेंगे इस माउस को, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ये तीर वाला चिन्ह मूव होता है इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। इसके बाद देखो एलयू कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये देख लो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, अर्थमेटिकल और जो भी मैथमेटिकल और जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रोम का मतलब है बेटा, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। मतलब जब हम जो भी मैन्युफैक्चर है, जो भी कंपनी है, वो रोम को बनाएगी तभी उसमें डेटा डाल देगी, इसको हम केवल रीड कर सकते हैं, उसको डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी रोम में क्या रहता है बेटा, बायोस। और बायोस का काम क्या होता है, जो भी हमारी हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है उसको अगर रन करना है तो हमें किस में लोड कर देगा, ये रैम में। तो रोम में क्या होते हैं बेटा, बायोस होते हैं। और ये इस मेमोरी केवल हम रीड कर सकते हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है बेटा, रैम और रोम होती है प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। और बाकी की सब क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ गई, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सारी बाकी की मेमोरी किस में आ गई बेटा, सेकेंडरी में। प्राइमरी केवल दो ही होती है, रैम एंड रोम। विच इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, टेराबाइट होगा इसमें। 1 TB में कितने GB होते हैं, 1024, 1024 GB मैंने बताया था आपको। इसके बाद सिस्टम यूनिट इज नोन एज द कैबिनेट और चेसिस। सिस्टम यूनिट को निम्न में से
किसी डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेमोरी को करेंगे बेटा डेटा स्टोर करने के लिए, इनपुट डिवाइस को इनपुट देने के लिए, सीपीयू कंट्रोल करने के लिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन और आउटपुट आउटपुट लेने के लिए।